भाई हम थोड़ा सटके हुए क्योंकि 3 दिन से वीडियो नहीं बन रहा है भाई। तो भाई अभी रेगुलर वीडियो आना शुरू हो जाएगा। कैमरा आने के बाद बहुत खुश हो गया और हंसी मुंह से जा ही नहीं रही है। क्या करे, अभी मेरा मम्मी का भी आवाज सुनाई देगा। बस उनका टोनलिटी है और वो हंसते, कौन सा माँ अपनी अपनी बेटे के काम पे हंसता है बताओ। फिलहाल जो सटका हुआ था ना वो अभी यहाँ पे आके ठीक हो गया, और बाजू में से साउंड आ रहा होगा लेकिन सटका हुआ हूँ, बस वो अभी ठीक हो गया क्योंकि यहाँ पे आते ही एक सुकून सा मिलता है। और बाय द वे मेरा कैमरा है ना इधर से, है ना इधर से, अभी शशि ने पकड़ा हुआ है देख रहे हो, बस ऐसा ही है अपनी दोस्ती और क्या, बस आगे देखते हैं क्या होता है। आज का दिन ऐसा ही है, सारा थकान सारा कुछ होने के बाद हम अभी फिलहाल खा रहे जेली स्वीट, मजा आ रहा है भाई। और ऐसे ही है हमारा लाइफ, और इसमें और कुछ ज़्यादा ढूंढने की कोशिश तो हम लगे हैं करने में, आप लोग भी करो क्योंकि आप लोगों की ज़िंदगी में जब भी कोई परेशानी आती आपको आप ढूंढने में मदद करना, बाकी ज़िंदगी में और कुछ भी नहीं रखा है, बस आप खुद ढूंढना अपने आप, बस आईना में दिखोगे, दिखने के बाद आप खुद ही मिलोगे। जब आईने में खुद अपने आप को मिलते हो तब भी दूसरा ही कुछ मजा आता है, क्योंकि जब आप खुद आईने में आपको देखते हो तब है ना अलग सा एक महसूस होना शुरू हो जाता है कि हाँ मैं हूँ, मैं किस वजह से जी रहा हूँ, किस लिए जी रहा हूँ। फैन बंद करके ना बात कर रहा हूँ, उसलिए पसीना आ रहा है, टेंशन मत लेना। और किस वजह से जी रहा हूँ और क्यों जी रहा हूँ उसके ऊपर ना फोकस करना आपका शुरू हो जाता है। और जब भी आप फोकस करते हो अपने आप पर तब भी आपको एक अलग सा ही एक सुकून मिलता है कि हाँ मैं तो हूँ, बस मैं टेंशन क्यों ले रहा हूँ और किस लिए ले रहा हूँ, बस यही है। ओके, और सटक जाओगे भाई। मैं जो आज सटका था ना वो इसलिए क्योंकि अच्छे बात के लिए सटका था, कोई बुरी बात के लिए नहीं। ओके, और अभी भी हंसी नहीं जा रही है क्योंकि मेरा कैमरा मेरे साथ है और कैमरा मेरा साथ दे रहा है, यही मजा आ रहा है। और कैमरा जो कर रहा है ना भाई धमाल मचा रहा है, और इसी धमाल को बनाए रखना है मुझे क्योंकि आप लोगों को नया नया वीडियो भी देना है और उस वीडियो में कुछ अच्छा भी करना है, बस यही है। जिंदगी में कभी टेंशन मत लेना, नहीं तो आपकी ज़िंदगी में जो होगी वो बदलाव है ना आपकी टेंशन ही बनेगा, उसका कारण टेंशन ही बनेगा। और टेंशन जब आप लेना शुरू कर देते हो ना तब आपकी लाइफ में है ना अलग से परेशानियां आना शुरू हो जाता है। ओके, और उसी परेशानियों से है ना आप पूरा एकदम दबते 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 चले जाते हो, कितना इतना इतना नहीं नहीं इसको बोलते नहीं दबना, पूरी आपकी अंदर की पावर खत्म हो जाती है। और दूसरी बात, जब आप अच्छा करना शुरू करते हो तभी भी एक टेंशन आता है, वो टेंशन जो है ना वो टेंशन कुछ अच्छे के लिए होता है, वो टेंशन लेना बहुत जरूरी है, बिना टेंशन के आप आगे भी नहीं जाओगे उस लाइन में। ओके, तो जब भी आप वो लाइन में आगे जा रहे हो ना तो फालतू की टेंशन मत पकड़ो, अगर फालतू की टेंशन पकड़े तो भाई कुछ नहीं यही होने वाला है। ओके, और आज के लिए इतना ही भाई, गुरु ज्ञान बहुत हो गया आज के लिए, डोंट वरी मेक मी रिपीटेड, बाय बाय दोस्तों, फिर मिलता हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बस आज इतना ही क्योंकि काम बहुत सारा कर चुका हूँ, बहुत सारा। ओके, और बहुत सारा काम हो चुका है तो थक थोड़ा गया हूँ, लेकिन एनर्जी लेवल वहीं का वहीं है और बात वहीं का वहीं कर रहा हूँ और बॉडी लैंग्वेज में कोई भी फर्क नहीं पड़ी है, ठीक है, क्योंकि अपना सटका हुआ था अब भी नहीं है, लेकिन सटका हुआ जब भी रहता है ना तब भी अपना बहुत बढ़िया हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम जब सटके हुए भी रहते तब भी मूड में रहते हैं और जब भी सटके हुए नहीं रहते तब भी मूड में रहते। बाय बाय, गुड नाइट, सो जाओ, जनता अच्छा रहनी चाहिए।